हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और आज हम जो है ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रिंसिपल से हम लाइट सिग्नल को वन एंड से अदर एंड पे भेजते हैं और वो फिनोमिना है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में हम जो लाइट सिग्नल है एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं तो जो फिनोमिना यूज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, TIR। सबने पढ़ा होगा 12th में TIR। तो कोई मुझे बताएगा TIR क्या होता है? हाँ आदित्य बताइए, TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे वो तो मैं बोल ही रही हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने फुल फॉर्म भी बोली थी और मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बोली थी। अब होता क्या है ये तो बताइए मैम मैम। इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू मैम रिफ्लेक्टेड लाइट। हाँ भाई तुम तो मैम, जब नहीं इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए मैम मुझे, इंसिडेंट रे जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, इंसिडेंट एंगल तब अरे टोटल पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन बोल रहा है ये पहले ये बताइए। शानवी, शानवी पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि लाइट ट्रैवल कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में कर रही है। मैम डेंस मीडियम डेंसर से थोड़ा लेस डेंस मीडियम में ट्रैवल कर रही थी अभी। हाँ, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल से दूर होने लगती है रेयर मीडियम में, और जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल है वो और दूर होने लगता है। एक टाइम पे इंसिडेंट एंगल हम ऐसा कर देते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब अगर इंसिडेंट एंगल को इस एंगल से और ज्यादा इंक्रीज किया जाए तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से हमने इंसिडेंट किया, इसको TIR बोलते हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद TIR वाला डायग्राम और उसको दोबारा से आगे समझेंगे। द ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैम तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश की है। क्या हुआ है, लाइट जो है यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और इंसिडेंट एंगल थीटा वन है और जो हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल है ये थीटा टू है। जैसे जैसे हम ये इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये नॉर्मल से दूर होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये वाला एंगल ऐसा होगा कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है नॉर्मल से, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर इस एंगल से और हमने इस एंगल को इंक्रीज किया तो लाइट वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से इसको हमने इंसिडेंट किया था। ठीक है, इस फिनोमिना को जब लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से हमने इंसिडेंट किया था इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, थीटा वन को मैं आई वन, थीटा सी आई सी और थीटा यहाँ पे थ्री जो है ये आई थ्री से डिनोट कर रही हूँ। थीटा टू को आर वन, थीटा यहाँ पे टू जो है आर टू जो कि 90 डिग्री है और आर थ्री ये है हमारा। ठीक है, कितना है वो तो डिपेंड करेगा इस पे। तो आई वन इज लेस देन है आई टू यानी आई सी और ये इससे लेस है आई थ्री से, तब आर वन इज लेस देन है आर टू जो है 90 डिग्री और ये ग्रेटर है आर थ्री। अब हम क्या कर सकते हैं, स्नेल लॉ यूज कर सकते हैं इन दोनों मीडियम पे। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए TIR अगर अकर होना है। तो पहला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी कि N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। TIR के लिए N1 जो है N2 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज I
इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो जो आई है वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. कैन डिफाइन टू कंडीशन नेसेसरी फॉर टी आई आर. फर्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. दूसरा द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. अगर इक्वल होगा तो वो 90 डिग्री होगा, तो भी जो है जो इन दोनों की बाउंड्री है वहां से इमर्ज आउट हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा है अगर इंसिडेंट एंगल तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा. इस पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है. स्नेल लॉ होता है हमारा एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर. साइन आई हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन साइन आर. और इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्टेड एंगल आर जो है 90 डिग्री होगा, तब साइन आई सी इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन हो जाएगा. साइन 91 होता है, तो ये हम यूज भी करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई हो सकता है, थीटा से डिनोट कर सकती हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता. इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के अगर बराबर है तो वो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 के बराबर होगा. वेयर एन वन एन टू इनके बारे में भी लिख लीजिएगा. वेयर एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वेयर आई इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्रैक्टेड एंगल. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.